भारत देश कुछ तो हमारे देश में है कि दुनिया के अंदर हमारी विशेष पहचान है। बहुत सारे लोगों ने हमारी धर्म और संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, लेकिन मां गंगा का आशीर्वाद हमारे साथ है, मां यमुना का आशीर्वाद हमारे साथ है, मां सरस्वती का आशीर्वाद हमारे साथ है और आद्य देवी मां दुर्गा का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। हमारे साथ भगवान शंकर जी का आशीर्वाद है तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। इस सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु का आशीर्वाद हम सभी के साथ है, जिन्होंने त्रेता में राम के रूप में जन्म लिया, अधर्म का नाश किया, द्वापर में भगवान कृष्ण जी के रूप में जन्म लेकर के द्वापर में अधर्म का नाश किया, तेज भूमि में पवित्र आत्माएं जन्म लेकर के इस भारत के मान को बढ़ाने का काम किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि जहां पर जन्म लेने वालों को देव के रूप में देखा जाता है, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें मां गंगा के तट पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां गंगा के साक्षात दर्शन हम सभी को प्राप्त होते हैं। बहुत सारे दुनिया के लोग तरसते हैं मां गंगा के दर्शन को, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पवित्र स्थान पर हमें और आपको जन्म लेने का अवसर मिला और विशेष अवसर मिला इस मेले के आयोजन को भव्य बनाने के लिए और विशेष अवसर मिला इस भारत के मान को पूरी दुनिया में बढ़ाने के लिए। हमारा देश मां गंगा के रूप में जाना जाता है, हमारा देश गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी के रूप में माना जाता है और हमारा देश माना जाता है भगवान श्री राम के रूप में भी, कि जिन्होंने एक अच्छे राज की स्थापना बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर है। मां गंगा के पुत्र और पुत्रियों के ऊपर है, मां दुर्गा के पुत्र और पुत्रियों के ऊपर है, भगवान राम के संतानों के ऊपर है। वो भगवान राम जो हमारे रग रग में बसे हैं, वो भगवान राम जो हमारे रोम रोम में बसे हैं, वो भगवान राम जो हमारी सांसों में बसे हैं, वो भगवान राम जो हमारे संस्कार में बसे हैं, वो भगवान राम जो माता पिता के आदेश का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करते हैं और वध करते हैं रावण का, सर्वनाश करते हैं राक्षसों का, सर्वनाश करते हुए धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए तो वो गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब असुरों का नाश करने के लिए, तब तब आतंकियों का नाश करने के लिए, विनाशकारियों का अंत करने के लिए, भ्रष्टाचारियों का अंत करने के लिए इस मातृभूमि में योगी और मोदी जी के रूप में महान आत्माएं जन्म लेकर के उनका सर्वनाश करने के लिए संकल्प। उत्तर प्रदेश का नया भारत का उत्तर प्रदेश है। आपने देखा बहुत सारे, एक नेता बोलता था भारत माता को दयन, जहां जिस देश की भूमि का अन्न खाता है, जिस देश की भूमि का जल पीता है, जिस देश की भूमि की सांसें लेता है, यहाँ की हवाओं में सांसें लेता है, वो आतंकी प्रवृत्ति का व्यक्ति भारत माता को डायन कहकर पुकारता था। हमारे योगी जी ने उसको सबक सिखा दिया है। आज भीख मांग रहा अपने जीवन की और जेलों के अंदर है। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम कर दिया था, भ्रष्टाचार को यहाँ पर लेकर आए थे, उनको सबक सिखाने का काम किया है और समय नहीं लगता बुलडोजर चलने में, यही बदलता हुआ भारत है। भारत माता की सपनों का उत्तर प्रदेश है, यही भगवान राम के सपनों का भारत है, यही भगवान कृष्ण का उत्तर प्रदेश है, यही भगवान शंकर की भूमि काशी का उत्तर प्रदेश है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बचाव के लिए हम सबको एक रहना है। हम सबको समरसता की प्रतीक मां गंगा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शपथ लेकर, संकल्प लेकर ये कहना है कि मां लक्ष्मी तभी आएंगी जब कमल खिलेगा, और कमल खिलने के लिए 22 में पतन का दबना बहुत जरूरी है।
जितने गुंडे शेष बचे हैं 22 से 27 के बीच में अंत होगा और पुनः इसी तिगरी पर जब हम 22 में मिलेंगे तो इसकी भव्यता दिव्यता देखने को मिलेगी। और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि बालकृष्ण त्रिपाठी जी इस बार कमिश्नर के रूप में यहां पर पूजा करने के लिए आए और उनका भी आगे बढ़े। अपने भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और आप सभी से निवेदन आग्रह करते हुए कि बहुत सारे लोग बरगलाने आएंगे, बहुत सारे लोग तोड़ने आएंगे, बहुत सारे लोग हमारे बीच में दरारें डालने आएंगे, जैसा अंग्रेजों ने किया फूट डालो और राजनीति करो, मुगलों ने किया फूट डालो और राजनीति करो, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया, पड़ोसी से पड़ोसी को लड़ाने का काम किया, अपने साथ सेना लेकर नहीं आए, ना अंग्रेज आए ना मुगल आए, हम लोगों में से ही बांटा, हम पर राज किया और बांटने के बाद राज करने के बाद जिन लोगों ने साथ दिया उनको भी अंत में मार दिया, ये उनकी संस्कृति है। हमारी संस्कृति जोड़ने वाली है, हम विश्व बंधुत्व की सद्भावना के साथ काम करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिना के साथ काम करते हैं, हम पूरे भारत को पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हुए ऐसा संकल्प लेकर सेवा करने का काम करते हैं। ये भारत सिद्धि की तरफ जाएगा, ये भारत नया भारत बनेगा, ये भारत विश्वगुरु भारत बनेगा, ये भारत समरस भारत और उदयमान भारत बनेगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, हमारा धर्म जीवित रहना चाहिए और वो तभी जीवित रहेगा जब हम और आप संगठित रहेंगे, जब हम और आप संस्कारित रहेंगे, जब हमारी भावनाएं इकट्ठा होकर के इस प्रदेश और देश के मान को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही हमारा संकल्प है, यही हमारी सरकारों का संकल्प है। हमने कहीं भेदभाव नहीं किया, हमने कहीं छल फरेब नहीं किया। मंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को जीतते हुए सबको साथ लेकर के काम कर रहे हैं। ये बदलता हुआ भारत, ये बदलते हुए भारत का नया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने भव्यता देखी है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने दिव्यता देखी है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे धार्मिक आयोजन देखे हैं जो इन 5 वर्षों में हुए हैं, जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, जो हमारे धर्म को मजबूती देते हैं, जो हमारी विचारधारा को मजबूती देते हैं, जो हमारे सशक्त भारत को विश्वगुरु भारत बनाने के लिए हम सभी को प्रेरित करते हैं। ये पवित्र स्थान वही है जिसकी दिव्यता भी बढ़ेगी, आने वाले समय में भव्यता भी बढ़ेगी। हम सभी ने आग्रह किया कि आदरणीय योगी जी, हमारे यहाँ एक मेला लगता है, उसको सरकारी घोषित करिए, तनिक भी देर न लगाते हुए 5 मई 2017 को उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस मेले को सरकारी घोषित किया। अब पूरे धन का व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार करती है। ये बदलते हुए उत्तर प्रदेश का तिगरी धाम, जहां पर घाटों का निर्माण भी होना है, इस मेले से उस मेले को जोड़ने के लिए एक पुल की व्यवस्था हो सके, आदरणीय योगी जी ने इस पुल की भी घोषणा की, जिसकी प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है और सेंचुरी हटने के बाद जो हट चुकी है लगभग, उसके बाद इसका निर्माण कार्य भी शुरू होगा। ये बदलते हुए धनोरा का जनपद अमरोहा का स्थान तिगरी धाम, इसी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की तरह एक विशेष दर्जा प्राप्त करेगा, बनारस की तरह एक विशेष दर्जा प्राप्त करेगा, हरिद्वार की तरह एक विशेष दर्जा प्राप्त करेगा, क्योंकि इस स्थान पर भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी इस स्थान पर रुके थे और इस तिगरी और गणगंगा मेले की पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है, जहां पर अपने पितरों की शांति के लिए जो हमारे हमारे घर परिवार से हमारे भाई बंधु छोड़कर चले गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए दिए यहां पर लगाए जाते हैं, इस स्थान का विशेष महत्व है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, उन सभी की आत्मा के लिए भी शांति की प्रार्थना करता हूं जो कोरोना के संकट काल में हम सबको छोड़कर चले गए। पूरी दुनिया थर्रा गई थी, पूरी दुनिया घबरा गई थी, लेकिन एक स्वयं सेवक के रूप में जिन्होंने शिक्षा ली, जिन्होंने संस्कार लिए और देश के प्रधानमंत्री जी के रूप में सेवा करने का संकल्प लिया, उन्हीं के कारण कोरोना का कुशल प्रबंधन हुआ। जो हमारे यहाँ पर मेडिकल व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं थी जिस तरह की अमेरिका के अंदर थी, जिस तरह की इटली के अंदर थी, जिस तरह की फ्रांस के अंदर थी या अन्य देशों के अंदर थी, लेकिन
एक संकल्प और माँ गंगा का आशीर्वाद हमारे देश को बचाने के लिए विशेष सभी पर कृपा रही है। मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ कि हम सभी पर एक विशेष कृपा की और भारत को उस महामारी से बचाने का काम किया। उसके बाद भी हम अपने कुछ भाई बहनों को बचा नहीं पाए, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि वो पुनर्जन्म लेकर हमारी आस्थाएं हमारी भावना रही है कि हमारी संस्कृति में हम दोबारा जन्म लेकर अपनी मातृभूमि की सेवा कर सके, अपने देश की सीमाओं की रक्षा कर सके। ये हमारे भारत में ही संभव है, ये हमारे हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं। अपने धर्म और अपनी संस्कृति के लिए, अपनी विचारधारा के लिए, भारत को विश्व बनाने के लिए हमारे भाई बहन गिरधर लगे हैं। कोई देश पर सैनिक के रूप में देश की सेवा कर रहा है, कोई माँ गंगा के सामने आकर प्रार्थना कर रहा है, कोई राजनेता के रूप में इस मातृभूमि की सेवा कर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगा है, विभिन्न सेवाओं में अपनी सेवा दे रहे हैं, कोई किसान के रूप में अपनी सेवा देने का काम कर रहा है। तो इसी माँ गंगा के संकल्प लेकर मोदी जी कहते हैं कि मैं आया नहीं, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, मैं देश को किसी भी तरह से झुकने नहीं दूंगा। ऐसे संकल्प के साथ देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप सभी से निवेदन करना है कि समय बदल रहा है, समय की चाल को पहचानना है। हमारे यहाँ पर मुगल भी आए थे, हमारे भगवान राम की उस आस्था के केंद्र के उस मंदिर को तोड़ने का काम किया, उसको बदलने का काम किया। हमारे यहाँ अंग्रेज भी आए थे, हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की। अब हमारे और आपके ऊपर जिम्मेदारी है, जिन हमारे महान सैनिकों ने, जिन भारत माता के महान सपूतों ने इस देश को आजादी दिलाई, इस देश को सुरक्षित बनाया, इस देश को हमारे और आपके और आने वाली संतानों के लिए पूरी तरह से छोड़कर गए हैं, जिम्मेदारी देकर गए, इस देश को संभालने की जिम्मेदारी।